इंडियन न्यूज सच की तहत। दोस्तों नमस्कार, आइए नजर डालते हैं दिन भर की तमाम बड़ी खबरों की तरफ। खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए एंग्लो इंडियन न्यूज के साथ। खबर आ रही है गुरसाहेगंज कन्नौज से, जहां पर अंतर्राज्यीय ब्राह्मण महासमिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष बृजकिशोर दुबे ने दी है मकर संक्रांति के अवसर पर, नववर्ष के अवसर पर अपने सभी समिति के सदस्यों, क्षेत्रवासियों, नगरवासियों और देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। उक्त अवसर पर शुभकामनाएं व्यक्त करते हुए आपने अपनी महासमिति के लक्ष्य उद्देश्य के बारे में बताते हुए आपने बताया कि किस तरह से धन की व्यवस्था करके आपकी समिति जगह जगह पर गरीबों की, असहायों की, ब्राह्मणों की और अन्य लोगों की, जरूरतमंदों की मदद कर रही है। आपने बताया कुछ ही राज्यों को छोड़कर संपूर्ण भारत में सभी राज्यों में आपकी समिति जगह जगह पर लोगों की मदद कर रही है। आइए जानते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनते हैं। दोस्तों नमस्कार, आइए आपको मुलाकात कराते हैं अंतर्राज्यीय ब्राह्मण महासमिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष बृजकिशोर दुबे जी से। आज आपसे चाय पर चर्चा हुई, यहाँ गुरसाहेगंज में मुलाकात हुई। आइए जानते हैं ये जो समिति इन्होंने बनाई है, इसका समाज के लिए क्या लेना देना है, समाज से क्या मतलब है, किस तरीके से समिति समाज की सेवा कर रही है, किस तरीके से दीन दुखियों की मदद कर रही है, किस तरीके से गरीबों की मदद कर रही है। आइए जानते हैं, सुनते हैं कि इस समिति का लक्ष्य उद्देश्य क्या है। जी दुबे जी, बताइएगा कि आपने समिति बनाई है ब्राह्मण महासमिति, अंतर्राज्यीय ब्राह्मण महासमिति, इसका क्या लक्ष्य है? सबसे पहले तो आपको बताऊं कि एक मानस में चौपाई आती है जी, जगदारुण तो बनाना सबसे कठिन जात एक माना, और शायद आपने प्राइमरी सेक्शन में भी जब पढ़े होंगे तो एक स्कूलों में जो अक्सर प्रेयर कराई जाती थी वो शक्ति हमें दो दया नहीं दे कर्तव्य मार्ग पर डट जावे, जिस देश जाति में इसी में आगे आता है, जिस देश जाति में जन्म लिया बलिदान उसी पर हुआ है। भाई पहले आता है जात, उसके बाद हम, जब हम ही नहीं होंगे, हमारा वर्ग नहीं होगा, हमारी जाति नहीं होगी, हमारा धर्म नहीं होगा, देश कहाँ से आ जाएगा? देश तो बड़ी इकाई, देश तो सबको मिला करके होता है, यहाँ तो बड़ी इकाई, सभी लोग हैं। और कुछ लोगों का तो ये मानना है कि आए एक ही देश से, उतरे एक ही घाट, हवा लगी संसार की हो गए बारह बार। आज मकर संक्रांति के अवसर पर विभिन्न लोग अपने अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं। लोगों का मानना है कि चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि और राम है, हर बच्चा हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है, हर शरीर मंदिर सा पावन, हर मानव उपकारी है, जहाँ सिंह बन गए खिलौने, गाय जहाँ माँ प्यारी है। ऐसी उस पावन वसुंधरा पर भारत माता के शरण में हम लोग रह रहे हैं। आज इस अवसर पर अभी मुलाकात हुई, चाय पर चर्चा हो रही थी, अवसरवश मुलाकात हुई अंतर्राज्यीय ब्राह्मण महासमिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष बृजकिशोर द्विवेदी से। आप भी नव वर्ष के पावन बेला पर, मकर संक्रांति के अवसर पर और आगामी गणतंत्र दिवस के अवसर पर अपने कुछ उद्गार, अपने कुछ भावनाएं, अपने कुछ इच्छाएं व्यक्त करना चाहते हैं। आइए जानते हैं क्या कुछ कहना चाह रहे हैं। जी मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में नव वर्ष पर हम सभी देशवासियों को अंतर्राज्यीय ब्राह्मण महासमिति से जुड़े हुए अपने संवर्ग के सभी सदस्यों को और हमसे जो भी निकटतम मिलने वाले हैं उन सभी को शुभकामनाएं देते हैं और उनसे यही आशा करते हैं सब लोग आपस में मेल मिलाप से रहकर एक दूसरे का सहयोग कर समाज में उत्थान करेंगे और देश को आगे बढ़ाने में सहयोग करेंगे। ब्राह्मण महासमिति का गठन क्यों करना पड़ा? तो मानस में चौपाई आती है, यद्यपि जगदारुण तो बनाना सबसे कठिन जात एक माना, और हमारे बेसिक स्कूल जो हैं उसमें भी शायद आपने भी प्रेयर बहुत दिन कही होगी, जिस देश जात में जन्म लिया बलिदान उसी पर हो जावे, जिस देश जात में जन्म लिया बलिदान उसी पर हो जावे। तो हमारा कहने का आशय ये है कि पहले व्यक्ति है, फिर जाति है, फिर उसका धर्म है, देश बाद में। भाई देश बड़ी इकाई है, उसी की छोटी इकाइयां, जो छोटी इकाइयां ईंटे नहीं होंगी तो मकान कैसे बनेगा? तो अब इसी में आती है ब्राह्मण जाति,
क्योंकि ब्राह्मण को सभी लोगों ने हर पग पे दरकिनार किया, हाथी पे लाके खड़ा कर दिया। पहले यादव महासभा बनी, क्षत्रिय महासभा बनी, कायत महासभा बनी, भुर्जी महासभा बनी, स्वर्णकार महासभा बनी। जब सबने अपनी महासभाएं बना ली तो हमारे दिमाग में एक दिन आया कि क्यों ना भी हम भी अपनी जात के लिए एक समिति या सभा का गठन करें, ताकि उसमें जो पिछड़े हैं, गरीब हैं, उनकी मदद की जा सके, उन्हें मुख्य धारा में लाके जोड़ा जा सके। बनाई तो ब्राह्मण महासमिति है, लेकिन कुछ ऐसे सामाजिक प्रोग्राम होते हैं जो हमारी समिति सभी के लिए काम करती है। मान लीजिए कंबल वितरण हम कर रहे हैं, अगर हम आपसे बात करें कि इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, मुख्य उद्देश्य तो हमें ये है कि हमारी जात जो पिछड़ रही है जागरूक हो, हर तरह से शिक्षा में, आर्थिक में, और जागरूक होकर के मुख्य धारा में आके जुड़े, सबके बराबर आए। लक्ष्य इसका क्या होगा? लक्ष्य इसका ये होगा कि जो शिक्षा से वंचित रह जाते हैं गरीब छात्र, उनको हम फ्री ऑफ कॉस्ट शिक्षा की व्यवस्था करते हैं, जो पढ़ने वाले हैं, या जो गरीब ब्राह्मणों की कन्याएं जिनका विवाह वो नहीं कर पाते हैं, सामूहिक विवाह संस्कार कराते हैं। पिछली वर्ष भी हमने कई जगह कराए, सोरो में तुम्हारे कराए थे, एक कासगंज जनपद में, बनारस में कराए थे, सामूहिक एक संस्कार भी कराते हैं। इनके जो आपने नाम रखा है अंतर्राज्यीय ब्राह्मण महासमिति, ये जो ब्राह्मण शब्द रखा है कहीं कहीं एक जाति की तरफ इशारा कर रहा है, तो अगर ये नहीं भी रखते अंतर्राज्यीय समाज सेवा समिति इस तरीके से कुछ रखते तो भी समाज सेवा कर सकते थे, ये जाति शब्द क्यों आपने बार बार यूज किया है? जाति शब्द को इसलिए यूज किया है कि जब सबके अपने बन गए, हम ही बच गए, तो मजबूरन हमें खुलासा करना पड़ा भाई मुख्य धारा में तभी तो आ पाएंगे। कायत महासभा, भुर्जी महासभा, यादव महासभा, क्षत्रिय महासभा, जब सब अपना अपना विकास करेंगे तो हम क्यों पीछे रह जाएं? हम भी उनके साथ मुख्य धारा माना चाहते हैं, इसलिए हमें खुलासा करना पड़ा। सर दुबे जी बताइएगा कि आप समिति के माध्यम से किस तरीके से समाज सेवा कर पा रहे हैं, और किन किन राज्यों में आपका समिति विस्तृत हो चुका है, फैल चुका है, लोग इसकी जिम्मेदारी ले चुके हैं? सही पूछा आपने, केरल, तमिलनाडु और कर्नाटका तीन राज्य छोड़कर पूरे भारत में हर प्रांत में हमारी समितियां चल रही, और खासतौर से उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, चंडीगढ़, इनमें तो उत्तराखंड शायद ही कोई जिला बाकी हो जो हमसे न जुड़ा हो। बाकी दिल्ली में भी हमारी समितियां काम कर रही, जैसे विगत वर्षों में आपने देखा होगा ये तुम्हारे दैवी आपदा में जो बाढ़ग्रस्त इलाका था, हमारी समिति ने बढ़ चढ़ के काम किया, जालौन में बहुत जबरदस्त काम किया, मध्य प्रदेश में काम किया, बिहार में हमारी समिति बहुत आगे रही। हम लोग अपना खुद चंदा इकट्ठा करते हैं, और इकट्ठा ही बहुत बड़ी बात आती है कि इतने राज्यों में इतने लोगों की, इतने बड़े बल्क में लोगों की मदद करना बहुत बड़ा काम हो गया, तो इसके लिए कैसे क्या इकोनॉमी अर्थव्यवस्था बताते हैं? बहुत अच्छा पूछा आपने, इसके लिए इकोनॉमी की हमें कहीं से अलग से जरूरत नहीं, जो हमारा जनपद जहां हमें जरूरत है उसी जनपद से चंदा एकत्रित करते हैं, चंदे में सहभागिता करते हैं वहां के अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष और महासचिव, तीनों का ज्वाइंट अकाउंट होता है, वो लोग अपने तीनों जब तक हस्ताक्षर नहीं करेंगे निकलेगा नहीं। इकट्ठा किया और उसी जनपद में लगा दिया, अगर उस जनपद में और ज्यादा धन की आवश्यकता है तो अगल बगल के जो दूसरे जनपद हैं उनसे हम मदद ले लेते हैं। तो कोई भी दैवीय आपदा है, जैसे कोरोना काल हुआ, बाढ़ काल हुआ, ऐसे समय पे हम पूरी मदद करते हैं। सर किस तरीके से, क्या आप अपने जैसे ब्राह्मण शब्द का यूज किया है तो आप विशेष इसी वर्ग संप्रदाय के लिए विशेषकर मदद के हाथ उठा आगे बढ़ा रहे हैं या अन्य लोगों को भी इसमें ले रहे हैं? नहीं, मदद तो हम सबकी कर रहे हैं, परंतु मदद सबकी कर रहे हैं, मदद सबकी कर रहे हैं, सब हमारे अपने हैं जी। हम हिंदूवादी विचारधारा के हैं। हाँ, कहने कहीं लोगों की सोच रहती है कि आए एक ही देश से, उतरे एक ही घाट, हवा लगी संसार की हो गए बारह भाग। नहीं, कर्ण का एक कहना था, महाभारत के एक पात्र है, हाँ, कर्ण की जात जात रटते जिनके पूजी केवल पाखंड। इस विषय में आप क्या कुछ कहना चाहते? ऐसा नहीं कतई, हम हर मजे